आज फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय शीतल में। तो 2024 का दूसरा मंथ स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मार्च स्टार्ट हो गई है आज से। तो आज मैं 1 मार्च से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि हाल ही में डेंगू व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपदा काल की घोषणा की है। तो ये देश है, इसने घोषणा की है, पेरू है, और इसकी राजधानी मतलब कैपिटल है लीमा। पेरू देश है वो आपका साउथ अमेरिका अमेरिका में स्थित है, और यहाँ पे डेंगू की वजह से आपदा काल होना है। डेंगू जो है वो वायरस की वजह से होता है। वायरस से होने वाला एक रोग है, और यहाँ पे अल नीलो जलधारा जो गर्म जलधारा है मच्छर भी ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से ये आपदा काल लगाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वर्ष सन 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है। तो सबसे कम दर्ज की गई है वो दक्षिण कोरिया में। कोरिया में की गई है 0.72% यहाँ है ये दर, प्रजनन दर यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। और दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये पहला देश जो बन गया है वो मॉरिशस है। मॉरिशस जो है वो शामिल हो चुका है इसमें, और ये जन औषधि जो है पहल। और 2008 में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य है मतलब कम दामों में दवाई, कम दाम में दवाई देना। और इसका नाम चेंज नाम चेंज होगा, अब इसका नाम हो गया पीएम जन जन औषधि पहल। इसका टारगेट रखा गया है भारत में, रखा गया है 10500 केंद्र जन औषधि के खोले जाएंगे, ये इसका टारगेट है। चलते इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ, अंतरराष्ट्रीय महोत्सव सन 2024 कहाँ आयोजित होगा। ये श्रीलंका में आयोजित होगा। श्रीलंका में कहाँ, कोलंबो। पहले श्रीलंका की जो राजधानी थी वो कोलंबो थी, लेकिन अब नहीं है, अब इस समय है श्री जयवर्धने कोटे है। तो यहाँ पे ये आयोजन होगा, और यहाँ के जो पीएम हैं वो प्रवीण कुमार जगन्नाथ, यहाँ के जो पीएम हैं। तो ये आज की